नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आज एक सच्ची कहानी लेकर के फिर आपके सामने हूं। दोस्तों, आजीवन कारावास एक ऐसा कड़वा सत्य है, इसके विपरीत उतना ही कड़वा है वो सच जिसकी वजह से आजीवन कारावास शब्द वजूद में आता है। यूं कहिए कि किसी की जिंदगी में आता है। जाहिर है, आजीवन कारावास है तो फिर जिंदगी भी नर्क सी हो जाती है। लेकिन नर्क से निकलने के लिए एक और अपराध करना। खैर, मैं असल कहानी पे आती हूँ, जिसमें पुलिस एक केस की फाइल बंद करने वाली होती है कि उसके सामने एक ऐसा सच आता है कि वो सबको हैरान कर देती है। आप कांप जाएंगे कि वो क्या कहानी थी। अच्छा, जुर्म की कहानियां भी बड़ी अजीब होती है। जो जिस किरदार में होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौत से उसकी लाश मिलती है, मौके से उसकी लाश मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देख करके पुलिस ये मान लेती है कि ये खुद को खत्म करने वाला केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि पूरी घटना ही बदल जाती है और पुलिस फिर से तफ्तीश करनी शुरू कर देती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जान करके यकीन मानिए पुलिस भी दंग रह जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल है 2019 और तारीख है 19 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकलने वाले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। वो सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है जिसे पैरोल से लौटना था। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने वाले जेल की जिंदगी से परेशान होकर के उसने अपने ही घर में आत्मदाह कर लिया, ये पुलिस ने जेल प्रशासन को बताया। लोकल पुलिस ने ये भी कहा कि एक सुसाइड नोट भी मिला है मौके से, हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी उस सुसाइड नोट में बताया है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम करा करके केस को बंद करने की तैयारी है। ये जान करके पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन दी जेल प्रशासन को, जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी बस उसका इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, उम्र लगभग 34 साल और मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबड़ एरिया में रहता था वो। इस पर एक ऐसा आरोप था जिसमें उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था और उसी समय ये जो घटना मैंने आपको बताई है उससे कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो जाती है। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आ गया था और 29 जून को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख करके आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, लोकल पुलिस मौके पे पहुंचती है और आग बुझाने का एक पूरा अभियान वहां चलता है। जो युवक था वो बुरी तरह से जल चुका था, एकदम से जला हुआ था वो लड़का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें कुछ सांस बाकी हो। यही सोच करके पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि पिता की मौत होने से वो काफी दुखी है, डिप्रेशन में है, अब परिवार का कोई भी उसे पैरोल नहीं दिलाएगा, इस वजह से वो दुनिया में नहीं रहना चाहता, दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगा के अपने आप को खत्म करने जा रहा है, इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है।
अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड नोट जो था उसी तरीके से उसको लिया गया और उसी तरीके से पुलिस ने इस केस को बंद भी कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सबको रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था और रिश्तेदारों ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन पूरे केस में 24 घंटे के बाद ही एक नया मोड़ आ गया जहां वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट में लिखा था कि ये मौत जो है गला दबाने से की गई है, यानी कि मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबा करके हुई है। और यहीं से इस केस की दोबारा से तफ्तीश शुरू हो जाती है। मौके से जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो मंगवाए जाते हैं, सभी फोटो को बारीकी से देखा जाता है। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स के पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जबकि जब कोई जल कर मरता है तो वो तड़पता है और उसके दोनों पैर जो है चिपकने के बजाय अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा इस केस में दिखाई नहीं दे रहा था। और भी तस्वीरें देखी गई, उनसे ये पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा पसीने वाला हिस्सा जो है पूरी तरह से जला हुआ था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा नहीं जले थे। अब अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे और यही पे कुछ शक होता है कि कहीं जो मरने वाला व्यक्ति है, जलने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ पैर तो नहीं बंधे थे जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं और जो क्राइम सीन होता है उसको बारीकी से देखा जाता है फिर से और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। तो ये पता चलता है कि एक दिन पहले ही राजेश परमार के साथ दो लोग देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है और फिर से जांच करनी शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले से ही गला घोट करके मौत हुई है, हत्या कर दी गई है। लेकिन राजेश को जब सुसाइड करना ही था तो पहले उसकी हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन है? अब पुलिस के सामने एक और सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही ना, कोई और हो? अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन है? उन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया, फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर भी मिला जो जेल में जेल से जब वो आता है उसके बाद वो एक्टिव था, लेकिन इस समय वो बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पे कई बार बात होने की जानकारी मिलती है, लेकिन उस नंबर पे जब कॉन्टेक्ट किया गया तो वो नंबर भी बंद था और वो जो नंबर था किसी निहाल नाम के युवक का था। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की एक और नई चुनौती थी और मन में ये सवाल भी आया कि कहीं निहाल तो नहीं मारा गया। इसके अलावा कई और सवाल थे पुलिस के दिमाग में और पुलिस फिर से जो है नए सिरे से एक नई तलाश में जुट जाती है। तब ये पता चलता है कि निहाल जो है मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पहले राजेश के मकान में ही वो किराए पे रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात मिलती है। इसके बाद एक टीम पुलिस गुजरात भेजती है, वहाँ पे निहाल को दबोच लिया जाता है। इसके बाद जब उससे कड़ी पूछताछ की और जो उसने कहानी बताई वो काफी चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पे आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क किया था, उन पर दोनों लोगों की बात हुई थी, मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान वो काफी परेशान था और इमोशनल भी था क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद अब उसकी जिंदगी में कभी कोई पैरोल मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में वो जिंदा रहे। इसके लिए उसने एक क्राइम सीरीज देखी, एक नहीं बल्कि उसने कई ऐसी फिल्में भी देखी, जिसके बाद उसने एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने अपने घर में रहने वाली एक मात्र उसकी जो माँ थी उसको बहाने से 23 जून को ही बाहर भेज दिया और इसके बाद उसने ये साजिश रची। 19 जून को चूंकि उसकी पैरोल खत्म हो रही थी तो उसे जेल ना जाना पड़े इसलिए उसने 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को
अपनी जगह मारकर दूर कहीं चल जाने की तैयारी में वो जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने निहाल को बुलाया। निहाल ने पहले तो उसको मना किया, लेकिन जब उसे पैसे मिलते हुए दिखाई दिए और कुछ पैसे उसको एडवांस में मिल भी गए तो उसके झांसे में आ जाता है। इस तरीके से 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 28 जून को ही वो दोनों लोग मिलते हैं और शाम को दोनों घर पे ही फोन छोड़ के घूमने निकल गए ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र का और लंबाई वाला एक युवक मिल जाता है। उस युवक ने अपना नाम राजू रैकवार बताया था और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी और शराब के लिए बुलाया। राजू चूंकि मजदूरी करता था इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू दोनों के साथ राजेश के घर आ जाता है और यहाँ पर राजू को इन दोनों ने जम करके शराब पिलाई और जब उसने बिल्कुल अपना होश खो दिया तो राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद हाथ और पैर एक रस्सी से बांध दिए ताकि अगर जिंदा भी रहे तो आग से बच न सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसको पटक दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पे बड़े संभाल के रख दिया ताकि पुलिस को ये सुसाइड नोट सही सलामत मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह जल जाए। दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते से वो बाहर निकल आए ताकि पुलिस को ये शक ना हो कि दरवाजा जो है बाहर से बंद था। और बाहर से ही उन्होंने खिड़की से माचिस की तीली को जला करके अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए और साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल भी गुजरात निकल गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई पता करने के लिए उस मृत युवक के बारे में भी पता किया जिसे राजेश ने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। जब यहाँ तक पुलिस पहुंच गई तो वो काफी सेटिस्फाइड थी। अब वो और तेजी से जांच में जुट गई। पुलिस को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक उनकी जांच अधूरी थी। अब पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश जरूर किसी न किसी तरीके से निहाल से संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। आखिर जल्दी ही राजेश का फोन आता है निहाल को और पुलिस ने चूंकि निहाल को अपनी कस्टडी में ही रखा हुआ था तो पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद राजेश ने कहा कि उसे चेन्नई में किसी मदद की जरूरत है, अगर उसका कोई दोस्त वहां हो तो वो मेरे पास जरूर भेजे जा, मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे। इस पर निहाल ने कहा कि वो जल्द ही उसे बताएगा। इसके बाद फोन कट जाता है और अब पुलिस ने राजेश को भी पकड़ने की एक फिल्मी अंदाज में कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा गया, उन्हें लोकल बन करके राजेश से मिलने के लिए बोला गया। इस तरह से निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने दोस्त का जिक्र करते उसका फोन नंबर शेयर किया था जिसे बाद में राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझ करके उससे बात करने लगा और मिलने लगा। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पे तिलक लगाए हुए दो युवकों को देखा जो उसकी मदद के लिए आए थे, दरअसल पुलिस वाले थे, उन्होंने निहाल को निहाल का दोस्त समझ करके जो बातचीत की थी वो बातचीत तो की लेकिन बाद में उन्होंने राजेश को पकड़ लिया। इस तरीके से पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को ओपन कर दिया, मीडिया के सामने लाए। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया और इसके बाद राजेश एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों ये जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको कैसा लगा?
आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।